आपके सिपाहियों के सामने कोई आदमी फांसी लगा रहा है, ऐसा आपके सीसीटीवी फुटेज में है, ऐसा आपका कहना है। परंतु बड़ी आश्चर्य की बात है, आपने सीसीटीवी फुटेज तक देखने की हिमाकत नहीं की, राइट? परंतु सीसीटीवी फुटेज में ये साफ दिख रहा है कि एक आदमी ने फांसी लगाने का प्रयास किया, वो गिर गया, गिरने के भी आपके सिपाहियों का आवाज नहीं आई, पता नहीं किस बात पे मदहोश बैठे थे। चलिए आगे बढ़ें। ₹30,19 का पर्चा है सर मुझे। 30/9/19 जी, इसमें क्या हुआ? इसमें कोई कार्रवाई नहीं है सर, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। नो प्रोसीडिंग्स जी। चार उसके बाद सर 4-10 का पर्चा है सर। दस के पर्चे में क्या हुआ? वो हार्ड लैपटॉप डिस्क बुलवा प्लेयर लेना। सर, जो उपनिरीक्षक रेडियो विनोद उपाध्याय है उसे हार्ड डिस्क चाहिए गई है सर, इसकी सर किस चीज की? इसकी सीसीटीवी अभी सीसीटीवी फुटेज मिला कंप्यूटर है, की सीसीटीवी सीसीटीवी सर। फुटेज की हार्ड डिस्क आपको नहीं मिली नहीं है ना? एक एसडीओपी अपने थाने से सीसीटीवी फुटेज की हार्ड डिस्क नहीं निकाल पा रहा है, राइट? ये कहना चाहते हो? विनोद उपाध्याय सर उपनिरीक्षक रेडियो जो है सर। अरे एसडीओपी कर रहा था ना जी सर, इन्वेस्टिगेशन, जी सर, वो थाने से अभी सीसीटीवी फुटेज की हार्ड डिस्क भी नहीं निकाल पा रहा है ना? इसने विनोद से क्या कहा? विनोद, आपका पूरा नाम क्या है? विनोद उपाध्याय सर, उपाध्याय। ये एएसआई है, सर संस्पेक्टर सर, हैं संस्पेक्टर सर एसआई साहब है, उपनिषद रेडियो सर। एसआई रेडियो टू मेक हार्ड डिस्क अवेलेबल। ठीक है, फिर क्या हुआ सर? ये 4/10 को हो गया, फिर क्या हुआ? डाटा पेन ड्राइव में लिया गया था सर, पेन ड्राइव में ले लिया, कोई बात नहीं, और क्या हुआ फिर? ठीक कर रहे हो सर। 4/10 को ये कार्रवाई हो गई, आगे क्या हुआ? फिर 6-10 है सर उसके पास क्या पहुंचने। हुआ? 6/10 को बिरगड़ा थाने पहुंचे हैं सर, ये थाने पहुंचे, फिर क्या किया इन्होंने? दक्कन के आरोपी दफ्तर थाने पर पदस्थ कर्मचारियों के कथन भेजने हेतु एक अवतर कथन आया। है तो गए, फिर क्या हुआ वहां पे? अच्छा, उसी के कथन लिए हैं सर उसने सर, उस दिन थाने पर उनके मतलब संदेहियों के कथन लिए हैं। सर थाने पर उपस्थित जो कर्मचारी थाने में अच्छा, जो सर, उपस्थित कर्मचारी थे उस दिन, है सर ना? संदेही तो नहीं थे? संदेहियों का क्या हुआ था? सस्पेंड हो गए थे, क्या हुआ था? हटा दिया था उस हैं, दिन, हटा दिया था कहाँ लाइन, पुलिस लाइन भेज दिया था? सस्पेंड भी नहीं किया था? सस्पेंड हुए सर। सस्पेंड हुए थे सारे के सारे? अच्छी बात, चलो राय श्याम शर्मा ने हाँ थाना ठीक है, इंक्वायर्ड फ्रॉम पुलिस पर्सनल। पता नहीं, हमारा माइक भी कह रहा है कि सर आप लोग कुछ गलत बता रहे हो जी। आप ही आ जाओ सर। अच्छा, आपका फोन बज रहा है भैया? ये अपने माइक में लाइट डिटेक्टर लगाया है क्या? जी बताएं, आगे बताएं। निरंकार जी, आपका फोन सर। और लाइट डिटेक्टर आप ही के फोन में लगा है, चलो ठीक, आगे बढ़े। सस्पेंशन में कंफर्म नहीं हूँ सर, मैं आपको भी कंफर्म नहीं है, वो हम सस्पेंशन कंफर्म करा लेंगे, चिंता नहीं करो। आप तो उसके बाद कार्रवाई सर बताओ छब्बीस इन्वेस्टिगेशन दस है, फिर 26-10 को हुआ सर 20 दिन के पर्चा। बाद खुली डायरी 26/10/19 जी। तो वो सर साक्षियों को भेजने के लिए अधिकारी कर्मचारी थे सर, औपचारिक उनके कथन के हेतु थाना कथन पर हेतु कथन एक खाना पूर्ति की गई। हेतु भेजने हेतु कहा गया सर। हाँ, फिर क्या हुआ? 26/10 को ही हो गया पेपर पेपर फॉर्मेलिटी, फिर आगे क्या हुआ? सर 30-10-19 का है सर, हाँ, 14 तारीख है सर। इनको क्या किया इन्होंने? उस दिन सर सहायक उपनिरीक्षक घनश्याम पुलिस वालों के बयान लिए? आशीष हम लोग
अच्छी बात है, स्टेटमेंट्स ऑफ पुलिस पर्सनल, राइट, सर। अच्छी बात है। और क्या हुआ सर? ये वो सारे पुलिस वाले हैं जो घटना के समय थाने में उपस्थित नहीं थे, है ना? ये तो थे सर। संदेहियों के बयान लिए हाँ क्या? सर। और पुलिस सस्पेक्टेड पुलिस पर्सनल, सर अच्छी बात है, आपने ले लिया, बहुत अच्छा किया। आगे बताएं। सर 31/10/19 को है सर, जी क्या हुआ उस दिन? आरक्षक महिपाल की कथन है सर। फिर पुलिस वालों के सौ गए। हाँ जी सर, महिपाल तो वो नहीं है इसमें, संदेही नहीं नहीं तो नहीं है। ठीक, नहीं कर्मचारी है थाने का सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे फिर हम। सर 24/12/19 का है सर, 16/12। 24/12 मतलब 1.5 महीने के बाद, है ना? अब जो है धीरे धीरे इंटरवल बढ़ना शुरू हो गया है। 1.5 महीने के बाद क्या खुली डायरी में, पर्चे में क्या लिखा है? कोई कोई विशेष कार्रवाई नहीं है सर, कुछ अचानक खास कर, नो प्रोसीडिंग्स, राइट? कोई विशेष कार्रवाई है कि नहीं? अच्छा, जो एसटीएल जो है उसकी हो रही है साथ में सर, उसको लेके सर। नहीं, आपके हिसाब से कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है? नहीं नहीं हुई है। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद सर 29/12/19 का है सर। 29/12, फिर 1.5 महीने के बाद, राइट? फिर क्या किया इन्होंने? सर पटवारी का जो हल्का पटवारी का नक्शा मौका है सर, उसको प्राप्त करने के लिए निर्देश दिए हैं सर थाना प्रभारी को। सर अच्छा, थाना प्रभारी से कहा कि आप पटवारी से नक्शा मौका बुलवाएं। वाह, वेरी गुड। जी, ये आईओ हैं, तो आइए खुद इन्वेस्टिगेशन ना करा के अब वो थानेदार से कह रहे हैं, राइट? चलिए सर आगे बढ़ें। 30/12 का सर, 30/12 मतलब अगले दिन। जी क्या हुआ? इसमें जो कर्मचारी सर लाइन अटैच हुए थे सर हाँ, मैंने उनको कहा था सस्पेंड ही हुए होंगे। लाइन आपके एसपी साहब को अपने थाने में मृत्यु पे भी आदमी को सस्पेंड करने की हिम्मत नहीं है। लाइन अटैच हुए थे जी, उनका क्या हुआ? कस्टोडियल डेथ में भी सस्पेंड करने की हिम्मत नहीं है आपके एसपी साहब की। सर मैं कंफर्म न्यूज सस्पेंड अभी आपने कहा करूंगा। लाइन अटैचमेंट, जो लोग लाइन अटैच, नहीं सर सर सस्पेंड होकर भी लाइन अटैच होते हैं सर। भाई साहब सस्पेंड होके लाइन अटैच नहीं होते। सस्पेंशन शब्द अलग होता है, लाइन अटैच अलग होता है। आप हमें यह मत बताइएगा, सॉरी सॉरी लाइन अटैचमेंट आपको फील्ड से हटा के कहते हैं कि आप यहां बैठ जाओ, आप मुफ्त की तनख्वाह खाओ। और सस्पेंशन में आप वर्दी नहीं पहन सकते हैं, और आधी सस्पेंशन अलाउंस मिलेगा, और उसमें हेडक्वार्टर बैठता है कि आपको यहां जाना है या वहां रहना। तो सर सर ज्यादा आप हमें कानून मत बताइएगा प्लीज, सर नहीं तो हम आप ही की अकलमंदी पे प्रश्न चिन्ह उठा देंगे। इसमें आरोपी गण की तलाश की जरूरत। आरोपी गण, अब आपके आरोपी गण जो लाइन अटैच्ड हैं वो फरार हो चुके हैं, राइट? पुलिस वाले जो उनकी तलाश की आरोपी गण हैं वो अब आपकी नजरों से फरार हो गए हैं, और आप कहते हैं लाइन अटैच्ड हैं, तो वो तो लाइन पे उपस्थित होंगे आपके हिसाब से, है ना? उपस्थित नहीं मिले लिखा हुआ है सर, हैं? उपस्थित नहीं मिले लिखा हुआ है सर। नहीं मिले, राइट? तो उनको तो सस्पेंड भी नहीं कर पाए, लाइन अटैच किया, वो लाइन में भी नहीं आ रहे हैं, और अब वो जो है फरार हो गए हैं आपके, राइट? उसके बाद सर 7/1 का पर्चा है सर, 7/1/20 का सस्पेक्टेड एब्सकॉन्डिंग, पटवारी का सर, हल्का पटवारी का नक्शा प्राप्त किया है सर। क्या बात है सर! 3 महीने के बाद तो स्पॉट मैप मिलता है आपको, है ना जी? घटना के 3 महीने लग गए आपको स्पॉट मैप लेने में। और अपराध सर के नामजद आरोपी होते सर, हाँ उनको विजय सिंह राजपूत, विजय कुशवाहा, इनको सबको सर पुलिस लाइन RI से कहा है कि इनको घटना के संबंध में पूछताछ करने के लिए पहले भेजा, उपस्थित करें। क्या बात है जी, इसके बाद
इक्कीस एक बीस का है पर्चा सर। 21/1/20 का पर्चा है, इसमें क्या हुआ? इसमें तलविदा ये आए हैं सर, सहायक उपनिषद विजय सिंह राजपूत। ये आपके संदेही लोग आ गए आपके पास? हाँ सर। फिर क्या किया उनका? पूछताछ कर उनके कथन लिपिबद्ध किए सर। उनको भी हवालात के सामने बैठाया कि नहीं बैठाया है? नहीं बैठाया, कोई बात नहीं सर जी। फिर क्या हुआ सर? 29/2 का है सर। 29/2 मतलब फिर 1 महीने के बाद, राइट? क्या हुआ इसमें? कोई विशेष कार्रवाई नहीं सर। कोई कार्रवाई नहीं है जी। फिर 20/3/20 का है सर। 20/3 मतलब फिर 20/30, अच्छा 20/3 सॉरी 20 सर। 20 मार्च 20/2020 क्या किया उन्होंने? उसमें सर जो ये अब डायरी आ गई है सर, अब दूसरे आईओ के पास आ गई सर 29/2 से डायरी दूसरे आईओ के पास आ गई। अच्छा, ये कौन है सर 29/2 में किनके पास आई? आत्माराम जी डी शर्मा। जी डी शर्मा ये क्या है? एसजूपी कर रहा बल्कि ये भी SDOP साहब है जी सर। तो आप मतलब दूसरे जिले के अधिकारियों से करवा रहे थे सर। 20/3 एक मिनट, आप दूसरे जिलों के अधिकारियों से इन्वेस्टिगेशन करा रहे थे? घटना कहाँ की है? ये बेलगड़ा की है सर, ग्वालियर की है, बेलगड़ा ग्वालियर की, बेलगड़ा थाना ग्वालियर की सर। और आप इन्वेस्टिगेशन शिवपुरी वालों से करवा रहे थे? करेरा शिवपुरी में आता है ना सर। तो मतलब दूसरे जिले के अधिकारियों से आप इन्वेस्टिगेशन करा रहे थे है ना? इसका मतलब ये है कि ग्वालियर पुलिस को ग्वालियर पुलिस पे विश्वास नहीं है, है ना? तो फिर तैयार रहिए इंदिरा पुरकर जी, जब खुद ही कह रहे हैं कि हमें हम पे विश्वास नहीं है। चलो आगे बढ़े सर। सर मृतक के विरुद्ध जो अपराध पंजीबद्ध हुआ था सर, SC/ST Act का सर, अपराध क्रमांक 81/19, उसके फरियादी खेमू कोरी का कथन लिया है सर उन्होंने। अब 20/3/20 क्राइम नंबर कौन क्या है उसका? जिसमें जिसमें 81/19 सर। 81/19 इसके फरियादी का बयान ले लिया, क्यों भाई? आप व्यक्ति की मृत्यु की बात कर रहे हो कि उसकी हिस्ट्री निकाल रहे हो? चलो कर लिया, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। इस दिन के बाद सर 21/3 का पर्चा है। 21 अगले दिन का सर जी, क्या हुआ इस दिन? सर इसकी FIR इस प्रकरण की थी वो सर, जो मृतक के खिलाफ FIR थी सर, वो आप इस डायरी में ले आए, बहुत अच्छा किया। जी इक्कीस तीन के बाद सर तेईस छः 3 महीने बाद सर, इसमें सर 23वां पर्चा है सर 21/3 का सर। और जब आपने 21/3 बताया, हाँ सर 21/3 का सर 23वां पर्चा था सर, 23वां पर्चा, और फिर ये डायरेक्ट 25वां पर्चा लगाया सर। हमें नहीं मालूम, मतलब डायरी में से आप लोगों ने कागज भी गायब कर दिए, ये कहना चाहते हो? नहीं नहीं सर, नहीं कहना चाहते। तो 21/3 के बाद एक लेख पत्र दिया है सर बेलगाड़ा थाना प्रभारी को सर, 23/6 को नेक्स्ट पर्चा काटा है सर। 23/6 को कटा है कटा। और अभी रुक जाओ, अभी आपने कहा कुछ दो पर्चे गायब है। नहीं गायब नहीं है सर। अरे 23 के बाद 25 आ गया, एक पर्चा गायब हो गया ना सर, स्पष्ट पानी नहीं गिर गया ऐसा लग रहा है। पानी तो गिरेगा ही, तो आप ये बताओ कि पर्चा गायब है कि कंटिन्यूटी में है?
अरे वो सरकारी वकील साहब बैठ जाओ सर प्लीज, आप सिंह साहब और चौबे जी कुर्सी दो। 25वां है सर, तो 24वां कहाँ है, लगा नहीं है सर। गायब कर दिया गया। तो मैं डायरी पूरी देख के पढ़ा था। तो आपको बुलाया किस लिए था, डायरी लाके हमारे सर पर पटकने के लिए? नहीं सर, आपके पास 23 नंबर का पर्चा है, उसके बाद 25 नंबर का पर्चा है, 24 नंबर का पर्चा मिसिंग है। सर मैं देख लूंगा डायरी के, भाई इधर अरे सर अभी तो ये बताइए, 24 नंबर का पर्चा मिसिंग है ना? सर उसका क्रम देख लूंगा सर, कहीं कहीं क्रम तो नहीं बदल गया अरे सर। वो तो ठीक है, अभी तो आप यही कह रहे हो ना कि मिसिंग है। चलो अब 25 नंबर के पर्चे में क्या है, 23/6 सर को उसमें लिखे थे सर, अपराध सदर में थाना प्रभारी भेड़गाड़ा को प्रकरण में माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रेणी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही न्यायिक जांच के अत्यंत स्थिति अवगत कराने के पत्र भेज कर निश्चित किया गया है। न्यायिक जांच की स्थिति स्पष्ट होने के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मतलब अब हम जुडिशियल इंक्वायरी के बाद कुछ करेंगे, राइट जी? फिर क्या हुआ, 2600 पर्चा है सर, 14/8 का सर। 14/8, फिर 2 महीने के बाद जी, अब क्या किया इन्होंने? वही सर अद्यतन स्थिति चाहिए सर इसकी न्याय। जुडिशियल इंक्वायरी, राइट, फिर क्या किया है? बस 7/10 में है सर नेक्स्ट पर्चा सर। 7/10 का पर्चा है, क्या हुआ इसमें? इसमें ये लिखे थे सर, अपराध सर में थाना प्रभारी बेलगड़ा उपनिरीक्षक राजेश शर्मा शर्मा से मोबाइल पर संपर्क कर प्रकरण संबंध चर्चा की गई। उनके द्वारा बताया गया कि प्रकरण की न्यायिक जांच अभी पूर्ण हुई है सर, ये न्यायिक जांच के लिए रोक दिया आपने, राइट न्यायिक न्यायिक जांच की प्रतीक्षा जी, ये हमको मालूम था आप करने वाले, हमने इसीलिए कल प्रश्न बना दिया था। आप लोगों के जवाब हम लोगों को पता रहता है कि आप कितने पानी में हो। 28/11 11/11 का है सर। 11/11, सवा महीने सवा साल के बाद, 7/10/20 के बाद सर, 28/11/11 11/11/20 है, बीस है। सर साल भी तो बोलो ना जी, सॉरी मतलब 1 महीने के बाद जी। आप आपके तो हाथ कहाँ पर है कुछ ऋषि जी, है वही कर रहे हैं सर। कोई कार्रवाई नहीं, फिर क्या हुआ आगे? पर 28/2/21 का है सर, 28/2/21, मतलब 29 का पर्चा साढ़े है। 3 महीने के बाद जी, क्या हुआ इसमें? कोई कार्रवाई नहीं, फिर अगला पर्चा। हाँ कोई नेक्स्ट जांच फोन कर हाँ ठीक है ठीक है, अगला पर्चा। सर पर्चा है सर 22/4 का सर। 22/4/21 ना जी, इसमें क्या हुआ? कोई जुडिशियल इंक्वायरी की प्रति जी 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 भेजने के लिए कहा सर, मारता है जी जी बिल वाला पत्र लिखा। देवेंद्र चौबे जी, हमें मालूम था आपका थानेदार क्या बोलने वाला या आईओ क्या बोलने वाला, इसलिए हमने कल ही प्रश्न बना दिया था। ये जुडिशियल इंक्वायरी से आप कितना रोक पाओगे मुकदमे को, ये भी आपको बताना है अभी। हमें कुछ नहीं मालूम है, 22/4 सर, हमें बाईस मालूम था कि तो ये क्या जवाब देने सर देंगे। बाईस चार 21 के बाद सर, 21/7/21 है सर। 21/7/21 पे 3 महीने बाद खुलता है, आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स का लेवल क्या है हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमको पता है कि अब क्या जवाब देंगे, इसलिए आपको आज एडजमेंट ना मांगना पड़े, हमने आपको पहले ही आगाह कर दिया कि इस प्रश्न पे तैयार होके आइए जी। कर कोई सर कार्रवाई नहीं की।
फिर अगला पर्चा सर 29/9/21 का है सर। 29/9/21 जी, इसी का वेट है सर। अरे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? कोई कार्रवाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर फिर 1/11 का है सर। 1/11/21 सर जी, जुडिशियल इंक्वायरी का वेट कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। एक 12/21 का है सर। 1/12/21 क्या हुआ इस दिन? कोई कार्रवाई नहीं।